ACN24। अब दुर्ग भिलाई में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ रहकर डेंगू की चपेट में आए 3 लोगों को इलाज के लिए राजनांदगांव शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ 6 मरीजों में 3 भिलाई के रहने वाले हैं, 3 राजनांदगांव के हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिन मरीजों का अस्पताल में उपचार चल रहा है, उनके राजनांदगांव में रहने वाले उनके रिश्तेदारों ने यहाँ आकर इलाज कराने की सलाह दी है। दुर्ग भिलाई में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ रहने वाले डेंगू की चपेट में आए 3 लोगों को इलाज के लिए राजनांदगांव शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। 6 मरीजों में 3 भिलाई के रहने वाले हैं और 3 राजनांदगांव के। दिलचस्प बात यह है कि जिन मरीजों का अस्पताल में उपचार चल रहा है, उन्हें राजनांदगांव में रहने वाले उनके रिश्तेदारों ने यहाँ आकर इलाज कराने की सलाह दी है। पिछले 1 सप्ताह से हर दिन अस्पताल में डेंगू के लक्षण लिए 15 संदेही पहुँचे हैं। NH1 टेस्ट में आधे से अधिक मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। अब तक 88 मरीजों का ब्लड टेस्ट कराया गया है, जिसमें से 7 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। मरीज सुविधा अनुसार शासकीय या निजी अस्पताल में अपना उपचार करा रहे हैं, या तो मरीज जिले से बाहर जाकर भी अपना उपचार करवा रहे हैं। टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद मेडिकल अस्पताल में 6 मरीजों का उपचार जारी है। डेंगू के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के बड़े बड़े दावों की पोल खुल रही है। बहरहाल देखना होगा कि डेंगू पर विभाग कब तक काबू पाता है। 3-4 दिन से तबीयत खराब था, मेरे को चक्कर चक्कर आता था हर रोज। फिर मैंने अपने बुआ के घर आया तो यहाँ ब्लड टेस्ट कराने के लिए आ रहा था, तो रोड में चक्कर खा के गिर गया, तो यहाँ एडमिट हुआ। अब यहाँ थोड़ा ठीक लग रहा है, दवाई खा के। यहाँ ब्लड टेस्ट हुआ तो बता रहे डेंगू है कर रहे। लोकेश कुमार साहू। कुछ उसके लक्षण से कुछ आए हैं मरीज, और कल की जांच में 4 या 5 का पॉजिटिव आया है, जो प्रारंभिक अवस्था में है। उसमें से हमारे पास 4 हैं, 2 आज भर्ती हुए, पुराने 2 हैं, और अभी स्थिति कंट्रोल है, उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं अभी है। एहतियात के तौर पे हमारे पास ट्रीटमेंट की सभी सुविधाएं हैं, उनका इलाज हम कर सकते हैं। बाकी है लोग जागरूक हों, अपना बचाव करें। राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव की रिपोर्ट ACN24।